केजरीवाल सरकार का एक वादा बिजली हाफ और पानी माफ ऐसा था कि जिसके बल पर दिल्ली वालों ने केजरीवाल को सीएम की गद्दी तक पहुंचा दिया। या ऐसा माना जाता है कि जुग्गी में रहने वाले लोग किसी भी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं, जिसका कारण यह है कि बिजली और पानी का पैसा उन्हें नहीं देना पड़ता। लेकिन जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। एक झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति के घर का चंद महीने का बिल 34,000 से ज्यादा आया है। बिजली की बढ़ोतरी का बिल सिर्फ एक झुग्गी की नहीं बल्कि कई घर ऐसे हैं जिनके बिजली के बिल काफी ज्यादा आ रहे हैं। थोला कुआं के इस कैंप में हजारों रुपए के बिजली का बिल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। दूसरी तस्वीर में आप इस महिला को देखिए जिसकी झुग्गी में खड़े होने की जगह नहीं है, तो वहीं बिजली विभाग ने इसका मीटर भी उखाड़ लिया। जब हमने इस महिला से बातचीत की तो इसने हमें बताया कि इसका बिजली का बिल 10,000 रुपए से ज्यादा आया है, जबकि इस महिला के घर में बस एक बल्ब जलता है। ऐसे में यह महिला और इसके जैसे न जाने कई लोग बिजली विभाग की लापरवाही के चलते अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। वीडियो में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उसका नाम ओमी है और इनके हाथों में बिजली विभाग के दो बिल हैं। पहला बिल मार्च 2022 के महीने का है जिसमें बिल 00 है, और वही लाल कलर का जो बिल है वह नवंबर के महीने का है जिसमें देय राशि 34,650 रुपए है। आप यह सोचकर हैरान हो जाएंगे कि महज चंद महीने में आखिर इस छोटे से झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति ने अपने घर में कितनी बिजली खर्च की होगी कि चंद महीने में उसका बिल हजारों रुपए में आया। ओमी थोला कुआ के झुग्गी में रहने वाला एक व्यक्ति है जो कि अपने परिवार के साथ झुग्गी में रहता है, और जब हमने झुग्गी का जायजा लिया तो हमने उनके घर में देखा कि उनके घर में एक ट्यूबलाइट और गर्मी के मौसम में चलने वाला छोटा सा पंखा मौजूद था। ऐसे में महीने में हजारों में बिल आना क्या बहुत बड़ी बात है? मेरा नाम ओमी है सर। ओमी जी, आपके हाथ में दो बिल है, एक मार्च का है सर, जो पहले जीरो हुआ था सर, और फिर 36,500 या कितना है आ गया पैसे। मैं गांव भाग गया, डेट हो गई थी मेरी बीवी की, मैं गांव चला गया था। इसके बाद ये इतना बिल दे दिया सर। घर में कोई नहीं था, घर में कोई नहीं था, ताला लगा था सर। वो फोन चार्ज कर दे बस, ना यहाँ स्पीलर लगाए, ना कोई फैक्ट्री खोले, कुछ नहीं करे साले, एक बल्ब जला रहा है बस बस। और मैं गांव चला गया, इतना बिल मेरे को दे दिया सर 3-4 महीने में। तो झुग्गी में तो बिजली फ्री है, फिर आप क्या सर कहेंगे? कोई फ्री नहीं है, हमारा तो इतना बिल आ गया तो मैं समझता हूँ कि फ्री है ही नहीं है। मैं कहाँ से करूँगा सर, 9,000 रुपये महीना कमाता हूँ सर, तो 36,000 जमा करना है, कहाँ से लाऊँगा सर? मंदूरी कहता हूँ सर। परिवार भी रहती है ना? परिवार तो रहते, बच्चे रहते हैं दो। खर्च चलाएंगे, खर्च चलाएंगे कि अपना बिल जमा करेंगे सर। अच्छा, इसको लेकर के, शिकायत को लेकर के आप कहीं पे गए थे? सर अभी तो नहीं गए, शिकायत लेके कहीं भी नहीं। ठीक है, यहाँ के जो भी लोग वहाँ ऑफिस में गए थे बिजली ऑफिस में, बोले तुम्हारी लाइट जली है। तो मैंने कि सर मुझे यहाँ पे तो कोई मैं लाइट चकिया मकिया लगा नहीं, कहाँ से भी ला गया? बोले तुम्हारे हड़प्पा उसने लिया होगा सर। मैंने कि मेरा ताला लगा था सर। बस बोले नहीं, तुमको जमा करना पड़ेगा, नंतर मीटर काट लेंगे। क्या चाहते हैं आप इस पूरे? मैं इतना अब जमा नहीं कर सकता हूँ सर, 4 मीटर खोल ले जा चुके। चलो।